अरे बहुत भारी है। हो गया आपका प्लेटफॉर्म, लेकिन यहाँ का बिल्डिंग बहुत छोटा होने वाला है। क्या भारी मात्रा में प्लेटफॉर्म होने वाला है। वर्क में ये दोनों ब्रिज एक ही साथ है। एलिवेटर का सुरक्षा के लिए दोनों तरफ सीमेंटेड का पाया दिया गया है, क्योंकि हम लोग समतल जमीन से लगभग 25 फीट ऊपर हैं। और हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज का ब्लॉग में हम लोग पहुंच चुके हैं पासवाड़ी रेलवे स्टेशन का अपडेट लेने के लिए। अभी से लगभग 3 महीना पहले हम लोग वीडियो शूट किए थे, तो बिल्डिंग का नीचे वाला बीम रेडी हुआ था। और अभी भैया सबसे बात करने के बाद पता चला कि दो तीन दिन पहले काम स्टार्ट किया गया है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि बिल्डिंग बन के कम्प्लीट हो गया होगा। तो गाइस, बहुत अपग्रेड किया गया है यहाँ पे, बहुत सारा मटेरियल गिर चुका है और ऐसा लग रहा है कि दिसंबर तक ये भी स्टेशन बन के रेडी हो जाएगा। बिल्डिंग वगैरह सब काम तो पूरा फिनिश नहीं होगा। चलिए सबसे पहले आपको दर्शन करवाते हैं बांसवाड़ी रेलवे स्टेशन का बिल्डिंग का। कम ऑन। और इधर देखिए भैया सब मसाला मिलाते हुए, और मसाला हमको भी मिलाने आता है भाई। ये ऐसे करके लिए ऐसे करके, अरे बहुत भारी है। बिल्डिंग पूरी तरह से बन जाएगा तो फिर मजा आएगा, और आपको ये भी पता चलेगा कौन सा सेक्शन किधर होने वाला है। तो बिल्डिंग बहुत मजबूती के साथ बन रहा है, इधर देख सकते हैं इतना ही बिल्डिंग है गाइस। हॉल्ट जहाँ भी हॉल्ट बना है सब हॉल्ट का छोटा ही बिल्डिंग है। यहाँ से हम लोग अब गाड़ी स्टार्ट करेंगे, और गाइस ये जितना भी एरिया आप देख रहे हैं ये बांसवाड़ी रेलवे स्टेशन का ही एरिया है। ये मेरा बाया साइड में आप देख रहे हैं, ये हो गया आपका प्लेटफॉर्म। और गाइस ये हो गया आपका प्लेटफॉर्म बांसवाड़ी रेलवे स्टेशन का। इधर देख सकते हैं बहुत सारा रोड़ा मतलब कि रखा हुआ है, ये सब आपका रेलवे लाइन बनाने में काम आने वाला है। और यहाँ से हम लोग प्लेटफॉर्म पे चढ़ेंगे। काम ज़्यादा अपग्रेड नहीं हुआ, काम में इतना ही हुआ कि सारा मटेरियल गिर चुका है और काम जोर शोर से होगा। और गाइस ये हो गया आपका बांसवाड़ी रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म। लगभग में 1 किलोमीटर होगा स्टेशन का लंबाई, चौड़ाई भी होगा 500 मीटर से थोड़ा कम होगा। लेकिन यहाँ का बिल्डिंग बहुत छोटा होने वाला है, क्योंकि हॉल्ट स्टेशन बनेगा गाइस। जो आप बिल्डिंग दिखाए हैं वही आपका बिल्डिंग हो गया। तो यहाँ से देखिए उधर स्लीपर रखा गया है, और ज़्यादा कुछ यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए है नहीं। जब ये प्लेटफॉर्म का काम शुरू होगा, पटरी वगैरह सब लगना चालू हो जाएगा, तो उसके बाद लगेगा कि हाँ काम हो रहा है। तो गाइस ज़्यादा यहाँ हम बकवास नहीं करेंगे, आगे चलते हैं, एक चीज़ और दिखाते हैं आपको। इससे पहले हम लोग अररिया साइड थे, और ये प्लेटफॉर्म का बीच में ही एक वो ब्रिज है वाहन पास करने वाला। अभी हम लोग अररिया साइड आ गए हैं। इधर ये कितना मात्रा में भारी मात्रा में स्लीपर रखा गया। यहाँ पे चढ़ते हैं गाइस, यहाँ से आपको बांसवाड़ी रेलवे स्टेशन का व्यू दिखाते हैं। अभी तो पूरी तरह से खाली है। चलिए अभी आप गाड़ी को चढ़ाते हैं, और ये अपना बुलेट को तीन नंबर में। और बांसवाड़ी रेलवे स्टेशन के जस्ट आगे में प्लेटफॉर्म के बाद ये ब्रिज बनाया गया है। ये ब्रिज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, बहुत मतलब कि मटेरियल से भरा हुआ है, स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ से एक झलक आप देखिए, ये जो आपको जितना भी मिट्टी दिख रहा है यही आपका बांसवाड़ी रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म होने वाला है, स्टेशन होने वाला है, सब होने वाला। और ये स्लीपर का पूरा मटेरियल गिर चुका है यहाँ पे, और ऐसा लग रहा है कि दिसंबर तक बहुत सारा काम अपडेट कर दिया जाएगा, यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी बन के रेडी होगा। लेकिन फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि भाई काम में तो लेट लगेगा यहाँ पे, क्योंकि मिट्टी भी नहीं गिरा है पूरी तरह से। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये खाली एरिया, इस मिट्टी का लेवल में मिट्टी डालना है उधर। वो जानकारी के लिए बता दें कि बांसवाड़ी, खवासपुर ये सब थोड़ा गहरी बाढ़ इलाका में आता है, इसलिए इधर पानी पास करने के लिए बहुत ज्यादा साधन दिया जाता है। ये भी ब्रिज बन के रेडी हो चुका है, और इस ब्रिज को देखने के बाद ऐसा लगेगा कि ये रोड निकला है। नहीं, रोड नहीं है, इसके ऊपर ही आपका रेलवे ट्रैक लगाया जाएगा स्लीपर के साथ। ये ब्रिज का दूसरे तरफ का नजारा है, ऐसा लग रहा है कि आगे नदी निकला हुआ है, और मछली का बहुत ज्यादा खजाना है। आप देख सकते हैं उधर से रोड आया, इधर टूट गया है। इस रोड को भी रेलवे स्टेशन से कनेक्ट किया जाएगा इन फ्यूचर। तो गाइस लगभग में ये दोनों ब्रिज एक ही साथ है, इसको कवर कर चुके हैं हम लोग, अब नेक्स्ट ब्रिज पे चलते हैं।
और गाइस बांसवाड़ी रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर चलने के बाद ये ब्रिज मिला है, और ये ब्रिज भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इधर देखिए जंगली नदी टाइप का किला है, और यहाँ से आप रेलवे ट्रैक का देखिए सुरक्षा, रेलवे ट्रैक का सुरक्षा के लिए दोनों तरफ सीमेंटेड का पाया दिया गया है ताकि रेलवे ट्रैक का मिट्टी इधर से उधर ना जाए। यहाँ से हरा हरा घास लगाया गया है, इसका मिट्टी कटान ना हो। और यहाँ से आगे एक और ब्रिज है गाइस जो कि रोड के ऊपर से गया हुआ है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। इधर देखिए अररिया का रेल लाइन पे कार्य प्रगति पे है, ब्रिज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, और हम लोग अररिया गलगलिया रेल लाइन पे अपना बुलेट को उड़ाते हुए गाइस बांसवाड़ी रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद एक और ब्रिज मिला है, जो कि ये जितना भी ब्रिज आपको दिखाएं ये सारा ब्रिज पानी पास करने के लिए ही है, बाढ़ का पानी पास करने के लिए। बांसवाड़ी रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर आ चुके हैं, 3 किलोमीटर में 3 ब्रिज को हम लोगों ने शूट किया जो कि पानी पास करने के लिए। इधर भी ये ब्रिज भी कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ ये पाया को ढालना बाकी है, इसमें सेटरिंग लग रहा है। ये भी मुझे लग रहा है 2-3 दिन में इसका भी काम फिनिश हो जाएगा। और गाइस रेलवे ट्रैक पर गाड़ी चलाने में बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि हम लोग समतल ज़मीन से लगभग 25 फीट ऊपर हैं, और यहाँ से पूरी नज़र आ रही है। इधर देखिए हरियाली का, वाट अ नेचुरल गाइस, यहाँ से आप बांसवाड़ी। और गाइस जानकारी के लिए आपको बता, बांसवाड़ी यहाँ से थोड़ा दूर है, लेकिन स्टेशन का नाम बांसवाड़ी दिया गया है। इस एरिया का नाम गदगद्दी है, ऐसा हम लोगों ने एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा, मतलब बोर्ड लगा हुआ था। और गाइस अब हम लोग ब्लॉक का एंड में आ चुके हैं, बांसवाड़ी रेलवे स्टेशन का ब्लॉक हम लोग यहीं समाप्त करने जा रहे हैं। अभी फिर हम लोग इसका अपडेट देगा ड्रोन के साथ 3-4 महीना के बाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दबा के गाइस हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, आगे भी मेहनत करते रहेंगे गाइस, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लाइक कर दीजिए पहले। अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।